हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिगम यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज ज्योमेट्री मींस क्षेत्रमिति। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्षेत्रमिति क्या होता है। व्हाट इज ज्योमेट्री? क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में हम जो वेरियस टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ट्रायंगल हो गया या कोई क्वाड्रिलेटरल हो गया, त्रिभुज या चतुर्भुज, इनके शेप के बारे में, शेप मीन्स आकृति, आकृति और इनके बीच के जो रिलेशनशिप होते हैं, या सॉरी रिलेशन होते हैं और उनके क्वालिटीज होते हैं, गुणधर्म होते हैं, उनका स्टडी करते हैं हम लोग। ये भी एक ब्रांच है मैथ्स का, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। शाखा गणित की, गणित का एक शाखा है। तो ज्योमेट्री जो स्टार्ट करने हैं, उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं। जैसे हम जब जब ज्योमेट्री का जो टॉपिक है उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी समझने में। इस ज्योमेट्री में ज़्यादातर लाइन और एंगल्स का यूज किया जाता है, रेखा एवं कोण। और कुछ सिंबल्स के बारे में, सिंबल्स सबसे पहले होता है पॉइंट मीन्स बिंदु। बिंदु जैसे एक एक डॉट है, इसे ही पॉइंट बोलते हैं या बिंदु कहते हैं। ये जीरो डायमेंशनल फिगर है। शून्य विमीय आकृति। सेकेंड है लाइन, रेखा। रेखा जो होता है वो वन डायमेंशनल फिगर होता है, जस्ट लाइक ये। तीसरा आपका होता है रे, रे मीन्स किरण। इसका वन इन पॉइंट होता है और इट हैज एक इन पॉइंट। कहने से मतलब ये है, जैसे आप एक लाइन में आप ये ऐसे देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो ये जो पॉइंट होता है इसे ही इंड पॉइंट कहते हैं। अब जैसे ये रे चल रहा है, अगर मैं इसमें ऐसे जो तीर का चिन्ह बना दूं या साइन बना दूं, इसका मतलब हो रहा है कि ये कंटिन्यूसली फॉर्म में सीधा चल रहा है, कंटिन्यूसली लगातार। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है इसमें केवल एक एंड पॉइंट है, और ऊपर वाली लाइन में देख रहे होंगे आपको कि इसमें दो एंड पॉइंट है। तो रे का मतलब आप समझ गए, केवल एक एंड पॉइंट, जैसे ये है। फोर्थ नंबर में लाइन सेगमेंट, इसे हम कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड में
इट हैज टू एंड पॉइंट। अब ये मान लीजिए और ये मान लीजिए, इसके दो पॉइंट हैं एंड पॉइंट ए और बी। एंड पॉइंट मीन्स अंतिम बिंदु। अब फिफ्थ नंबर पे हम जानते हैं कॉन्करेंट लाइन। समवर्ती रेखा, मान लीजिए कोई लाइन ऐसी आ रही है, कोई लाइन ऐसी आ रही है, कोई लाइन ऐसी आ रही है, तो ऐसे जो लाइंस होते हैं उन्हें हम कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। और ये जो डॉट होता है, आई मीन जहाँ ये लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो हिस्सा बनाता है ये कहलाता है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। प्रति छेदी बिंदु। सिक्स नंबर पे हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस को बोलते हैं समांतर रेखा। मान लीजिए कोई एक ऐसे लाइन चल रहा है, इसी से कुछ डिस्टेंस पे, कुछ चाहे वो डिस्टेंस कहीं भी हो, इसी के जस्ट ऐसी एक लाइन है। आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ भी है, वो डिस्टेंस यहाँ भी है। तो ऐसे ही जब कोई दो लाइन इस रूप में हो, तो ये जो लाइन होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इन्हें ही पैरेलल लाइंस कहा जाता है, मीन्स समांतर रेखा कहा जाता है। समांतर रेखाओं में जिन दो भी रेखा अगर समांतर है तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए, जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है और इक्वल। सेवेंथ नंबर पे हम बात करते हैं ट्रांसवर्स लाइन की। ट्रांसवर्स लाइन मीन्स तिर्यक रेखा। मान लीजिए कोई दो पैरेलल लाइन है ऐसे, अगर कोई रेखा खंड ऐसे आए, या और एक बना लेता हूँ, या ऐसे आए या ऐसे आए, तो ये जो लाइंस देख रहे हैं आप, ये वाला इसे ही हम ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं या तिर्यक रेखा कहते हैं। फिर आता है आपका, अब हम एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण। न्यून कोण हमेशा लेस देन 90 डिग्री होता है, मतलब अगर कोई भी कोण अगर 90 अंश से छोटा हो तो हमेशा वो न्यून कोण कहलाता है, यानी यह न्यून कोण होता है। मान लीजिए दो साइड्स हैं, या जो इनके बीच में अगर कोई एंगल, जैसे ये थीटा बन रहा है, तो आपको पता है ये दिख रहा है कि ये 90 से कम है, तो ये जो एंगल कहलाएगा आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा, इसे हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। नाइन्थ में भी बात करते हैं हम राइट एंगल समकोण। समकोण आपको पता है जब यहाँ 90 डिग्री का मीन्स 90 अंश का जब कोण बनता है, इसे ही समकोण कहते हैं। समकोण हमेशा 90 अंश के बराबर ही होता है, तभी इसे समकोण कहते हैं। फिर टेंथ नंबर पर आता है ऑब्ट्यूज एंगल।
अधिक खून। जब इन दो साइड्स के बीच में या दो लाइन के बीच में जब ऐसे एंगल बनते हैं यहाँ, तो जब भी यहाँ जब ऐसे एंगल बनता है तो 90 से अधिक होता है। सॉरी, 90 लेस देन 180, 90 से बड़ा और 180 से छोटा जब भी कोई एंगल बनता है तो वो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल होता है या उसे अधिक कोण कहते हैं। फिर आता है आपका स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट एंगल। इसे कहते हैं रिजू कोण। रिजू कोण में मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ से हमें एंगल बनाना है, तो जो लाइन होगा अगर वो इसी पे रहे, इसी पे आप देख रहे हो कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री अर्थात 180 अंश। तो ऐसे जब कभी कोण बनता है तो उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं या रिजू कोण कहते हैं। अब 12th नंबर पे बात करते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल की। अर्थात वृहत कोण, वृहत कोण मान लीजिए एक ऐसा एक शेप है, 12th नंबर पे है रिफ्लेक्स एंगल, इसे कहते हैं वृहत कोण। जब भी ऐसे दो साइड्स के बीच में या दो लाइन के बीच में जब इस टाइप का जब एंगल बनता है, जैसे मान लीजिए आप इसे कह सकते हैं 180 से बड़ा और 360 से छोटा, 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो जो भी जब एंगल बनता है ये वाला हिस्सा, तो इसे ही वृहत कोण कहते हैं। अब बारी आती है कंप्लीट एंगल की, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण में थीटा की वैल्यू 360 डिग्री होती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सिंबल्स की। अगर आपको कभी भी दो ऐसे लाइन दिखाई दें तो ये हमेशा समांतर लाइन हो, समांतर या पैरेलल इसका साइन है। मान लीजिए ये भी कोई भुजा है और उनके बीच में ऐसे टाइप का दो लाइन अगर ड्रॉ किया गया है या लिखा गया है, और ऐसे या सीढ़ी मान लीजिए, जिसका मतलब ये होता है कि दो एक ऐसी साइड्स हैं या जो या एक लाइन है जो एक दूसरे के पैरेलल है। इस सिंबल का मतलब पैरेलल होता है या समांतर होता है। फिर ये होता है आपका इक्वल टू का साइन, इक्वल टू मीन्स बराबर। मान लीजिए कोई भुजा ए बी है बराबर एक भुजा सी डी है, तो आप इसे कह सकते हैं ये दोनों बराबर हैं। ये साइन हमें बताता है कि ये दो भुजा या दो जो लाइन है वो एक दूसरे के बराबर हैं। फिर ये दो लाइन अगर जब पैरेलल लाइन हो, फिर उनके बीच में ऐसे जब तिर्यक रेखा हम बना देते हैं, यही जो सिंबल्स है इसे कह ये है नॉट इक्वल टू का, नॉट इक्वल टू का बराबर नहीं। अभी हमने यहाँ कहा था कि ए बी इक्वल टू सी डी है, इट मीन्स दैट कि ए बी और सी डी बराबर हैं। अब हम अगर ए बी नॉट इक्वल टू का अगर साइन लगा के सी डी ले दें, इसका मतलब ये है कि ए बी और सी डी बराबर
नहीं है। अब हम इस साइन का यूज करते हैं, ये होता है अप्रोक्सी मेट इक्वल का, मीन्स लगभग बराबर। मान लीजिए एक लाइन है, ये है 7.9 सेंटीमीटर का और एक लाइन है ये 8 सेंटीमीटर का, तो आप इसे कह सकते हैं, मान लीजिए हम इसे ए नाम दे देते हैं और इसे बी नाम दे देते हैं, आप यहाँ ये कह सकते हैं कि ए अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ए अप्रोक्सीमेट इक्वल टू बी, लेकिन आप देख रहे हैं सिर्फ 0.1 का डिफरेंस है। जब भी एक ऐसा साइन लगाया जाता है, या आप इसी की जगह इस डबल वाले का भी यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ए और बी लगभग बराबर हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ए लगभग बराबर बी और ए बराबर बी, इस दोनों में फ़र्क है। आप यहाँ 100% या डेफिनेटली श्योर होते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर इस साइन का मतलब ये होता है कि ये दोनों बराबर लगभग बराबर हैं, एग्जैक्टली बराबर नहीं हैं। ये जो साइन है ये है कॉन्ग्रेंसी का या सर्वांग समता का। मान लीजिए कोई ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल ई एफ जी है, अगर ये किसी भी कारण से या किसी वजह से एक दूसरे के अगर बराबर हैं, तो हम इसे अगर बराबर दर्शाना चाहते हैं तो हैं या बताना चाहते हैं, तो हम इसे ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम ट्रायंगल ई एफ जी लिख सकते हैं। ये जो साइन आप देख रहे हैं अलग सा, ये है ट्रायंगल का साइन, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज का। इसका उपयोग जैसे हम एक त्रिभुज लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ त्रिभुज ए बी सी, इसका मतलब जब ये सिंबल लग गया यहाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी और सी हैं, जैसे ये ए बी और सी। अब बचता है ये साइन, ये जो साइन है ये है कोण का, कोण मीन्स एंगल, एंगल एंगल आपको पता है कि हम इसे मोस्ट ज़्यादातर थीटा से ही डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और यहाँ की जो वैल्यू है वो है 90, आपको दिख रहा है कि यह 90 डिग्री है, तो आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं कोण बी मीन्स एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसे जब भी आप रीड करेंगे तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होगा एंगल, एंगल बी। आप यहाँ भी इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इसे एंगल ए बोलेंगे या एंगल यहाँ सी बोलेंगे। अब एक साइन होता है थीटा, थीटा मीन्स इसका मतलब ये होता है कोण का मान, कोण का मान या वैल्यू ऑफ एंगल। जैसे आप इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं कि जो कोण बी है उसकी वैल्यू है 90 डिग्री, तो हम इसे अगर एज इट इज एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जहाँ पर हम ऐसे करके अगर थीटा लिख देते तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होती, 90 डिग्री होती, 90 डिग्री, इसी को 90 अंश भी कहते हैं। और एक बात बताता हूँ आपको, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई सर्कल होता है तो उसका जो इनके बीच में जो एंगल बनता है
हमेशा याद रखिए कि त्रिभुज का जो कुल एंगल होता है वो 360 डिग्री या 360 अंश होता है, टोटल त्रिभुज में 360 अंश के होते हैं। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी अगर कोई भी ट्रायंगल होता है जैसे या ऐसे या जैसे भी कोई ट्रायंगल होता है तो इसके जो तीनों साइड का जो एंगल होता है या जो कोण है, मान लीजिए कोण ए डालो या कोण बी डालो और कोण जानो, तो जो तीनों साइड्स का जो एंगल बनता है बीच का, तो ये जो टोटल होता है वो हमेशा 180 अंश या 180 डिग्री का होता है। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं इसका जल्द ही नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।